7742। तो अब खाएंगे हम ग्रेवी वाले मोमोज। क्या करते हो? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है हमारा छठ का त्यौहार, जो हमारे रिलीजन में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, सबसे बड़ा त्यौहार। तो सुबह उठी मैं, फटाफट उठ के मैंने पूरा घर भर साफ करा और पोछा वोछा लगाया, जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करी। और एक और मुसीबत हो गई है कि हमारे सामने जो है रोड बन रही है, तो सब तो उतड़ गया है, तो मिट्टी अंदर आ रही थी बहुत ज़्यादा। दिखाऊंगी मैं आपको कैसे हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो पूजा का सामान है, जो कल छोटी वाली थी तो कल इसी पे उसका सामान बना था, तो अब इसको फिर से लिपाई पुताई करके फिर इसको नया बना रहे हैं, बिकॉज ये ज़रूरी है। इसी पे खाना, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, और ये छत फट जाती है, छत पे कर रहे हैं हम ये काम, तो इसलिए ये मिट्टी नीचे रख के उसके ऊपर ईंटें रख के फिर ये वाला काम हो रहा है। और ये थापड़ी, ये आपको पता है ना कि ये आग जलाने के काम आती है। और कल एक और चीज़ हो गई हमारे साथ, वो ये हुआ कि वो गेट देख रहे हो, वो गेट रखा था कहीं पे लगाने के लिए, तो वो सीमेंट वीमेंट में ख़राब हो रहा था, मकान का काम चल रहा है ना, तो उसको जैसे ही मैंने उठाया तो उसका कांच भर भर करके नीचे गिर गया। मतलब पता ही नहीं क्या हो गया, इसके लिए और डांट खानी पड़ेगी। मतलब मुसीबत जाती नहीं है तो दूसरी मुसीबतें आ रही थी। अभी मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ की रोड की क्या ही हालत हो रही है। सच रोड ख़राब कर दी है, ये सारा हमारा पाइप वगैरह सब टूट गया है। अब हमें भरने में भी इतनी ज़्यादा मुसीबत होगी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। पानी भरने में भी पानी नहीं आएगा तो हम भरेंगे कहाँ से? दीदी क्या कर रही हो? अरे यार, यहाँ पे अपन पूजा का खाना वाना बनाएंगे ना। अच्छा हाँ, साफ से मिट्टी मिट्टी हो रही है पूरी। देखो कितनी भयंकर वाली मेला चल रही है। अरे यार, मैं तो पूरी लसर पसर हो जाती हूँ यार, इतनी थक गई हूँ ना मैं, मतलब सांस इतनी भयंकर भर गई है। देखो पानी और लाना पड़ सकता है। पानी है ना यार, एक बाल्टी दो बाल्टी में तो बढ़िया मिल जाएगा। आज हमारी छठ पूजा है, इधर कैसे हो रहा है? दोनों में मिट्टी बह जाएगी, इसके नीचे नीचे धो हल्का हल्का। मैं तो बोल रही ना कुछ पानी निकालने के लिए आया था। हाथ से डाल लो, हाथ ही बहुत है। मम्मी डालने लग जाएगी तो बच जाएगी। यार एक तो मेरा ये सारा कपड़ा सन जाता है यार। गाइस, कसम से हमारा त्यौहार तो है ना बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि है ना ये रोड वाला काम है ना, ये हमारा पानी नहीं आ रहा है तो ये रोड के काम में ही रह गए हम। ये देखो मैं लेके घूम रही हूँ उड़ाने के लिए, ये देखो सब नैस नैस हो गया है, कभी ये लेके आ कभी वो लेके आ। मेरा त्यौहार बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है, बिना नहाए तो बिना नए कपड़े पहने। ये देखो ये भैया है ना, ये हमारा पाइप भी नहीं जोड़ रहे, इनको सुबह से यही बोल रही हूँ मैं, एक बार जोड़ दो हमारे पानी तो आए कम से कम। आरी मैं देती हूँ आपको, मैं ला रहा हूँ। ये देखो ये हमारी छठ पूजा का पकवान बन रहा है। तो ये हमारी चल रही है छठ पूजा की तैयारी। अभी धूप है, मैं जा रही हूँ यहाँ पे छठ मैया बनाने, और फिर अपन छठ मैया की पूजा करेंगे। ओके, पूरे ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू नो व्हाट आई मीन, जब ऐसी मुसीबत आती है ना तो हमारी गली में सभी प्लम्बर बन जाते हैं, सभी प्लम्बर है। अंदर अंदर का इस पाइप को कहाँ तक जा रहा है? अंदर से लेके, इधर से लेके, मतलब इसके चिपका के पेड़ के एकदम चिपका के ऐसे लेके। दीदी ये क्या बना रही हो? छठ माता का कैसा लग रहा है? बढ़िया। जब बर्खी पहले तो साल भर बनावल जाते, छह महीना बनावल जाते, देखने में अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। अब बात बर्खी वो दिन हो जाता, ब्रह्मभोज के बाद बर्खी करा के फिर शादी ब्याह होके लगता एक महीना के बाद। अब क्यों
तो गाइस घर के कामों से फ्री होकर मैं आई कपड़े लेने के लिए। और ड्रेसेस में आप लोगों ने देखा होगा मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ, तो यहाँ पे मैंने मामा के लिए भी साड़ी ली और अपने लिए भी साड़ी ली। और ये हमारी साड़ी, साड़ी लेने के बाद में मैं आई जीन्स और शर्ट चेक में लेने के लिए। उसके बाद में मैं जो जीन्स लेके गई थी उसको मैंने चेंज भी कराया और दूसरी नई जीन्स ली। और यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा था तो कपड़े लत्ते लेने के बाद में लग गया है भूख। और आपको पता है मुरलीपुर स्कीम जाओ और फिर वो सर्किल के आजू बाजू में दुकानें लगती है, वहाँ पर कुछ खा के ना हो तो फिर मज़ा सारा ख़राब हो जाता है। तो मैं बैठ गई खाने के लिए, खाने के लिए तो मैं मरे जाती हूँ, एकदम मरे जाती हूँ। मैं बैठी एक पाव भाजी की शॉप पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, मैंने कभी भी यहाँ की पाव भाजी नहीं खाई थी। तो मैंने ऑर्डर की पाव भाजी और पाव भाजी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी मैं क्या ही बताऊँ, मेरा तो जी नहीं माना लेकिन खाने में स्वाद अलग था। और फिर उससे जीना भरा तो मैंने मांगा मसाला मोमोज। तो अब खाएंगे हम ग्रेवी वाले मोमोज। अब गर्म होगा ना, इतने प्यारे लग रहे हैं ना। अब इसमें कम डालें बहुत। तो गाइज अब ना कपड़े लत्ते लेने के बाद और पेट पाउट भरने के बाद में घर की शाम वाली पूजा तो हो गई होगी, मेरे को पता है मैं उसमें तो नहीं पहुंच पाऊंगी, शाम वाली पूजा में तो नहीं पहुंच पाऊंगी। शाम वाली पूजा का सामान मैं कल ही लेके रख दिया था मैंने। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से फ्री होकर, पूजा ख़त्म हो गई होगी क्योंकि रात के 9:30 बज गए हैं। अब मैं घर जा रही हूँ, अभी तो मुझे सुबह वाली फल फूल भी लेने हैं। तो अब चलो अब फल फ्रूट देखते हैं सुबह क्या छुड़ाना बुडाना होता है ना, वो भी ले लेती हूँ मैं। ओके तो ये लेंगे अपन 17 नंबर वाली मार्केट से, बिकॉज उससे बड़ा तो क्या ही मार्केट कहीं लगेगा। ये क्या भाव है? 20 रुपये। तो गाइस यहाँ से भी फ्री हो गई मैं, यानी कि मुझे जो जो चीजें लेनी थी वो सब मैंने ले लिया है। तो भैया आपका नाम बताओ। नाम राहुल है। क्या करते हो? हम लोग क्या करते हैं? अरे दीदी अभी तक बना नहीं क्या? अरे यार बन गया बस लास्ट। और कितना है? बस लास्ट है, खत्म। लास्ट ही है क्या? हां खत्म। बताओ यार 12 बज गए अभी तक। सो गए क्या नीचे सब? सब सो गए। बस चल यार, अगर लेट ना होती ना तो कब का बन गया होता। आप कहां सो गए? मैं नीचे सोऊंगी। तू भी नीचे सोएगा ना? हां मैं भी नीचे सोऊंगा। कल यार ठंड में थोड़ी सोएंगे, देखो कितनी रात हो गई। तो गाइस मैंने कहा था ना कि रात की पूजा पूरी हो गई होगी, तो ये कंप्लीट कर लिया सबन ने। मैं आके नहाई और जो बचा हुआ सामान था वो मैंने बनाया और बना बुनू के अब सोने जाऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना भाई। मेरा ये काम कंप्लीट होने के बाद में मैं सोने जा रही हूँ। मेरे ब्लॉग को है ना प्लीज शेयर करना और कमेंट करके बताना कौन सा वाला सीन ज्यादा अच्छा लगा और मेरा कौन से वाले काम में ज्यादा मजा आया। और देख के अनदेखा मत किया करो, क्योंकि है ना इतने काम में से भी इतना टाइम निकाल के ब्लॉग बनाना कोई बड़ी बात छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों के पास पानी पीने का भी टाइम नहीं था, देखिए सुबह से कितने बजे खाना खाई थी मैं, खाना भी नहीं, एक समोसा खाया था बस 3 बजे सुबह के बाद। आज आपने तो खाना खाया ही नहीं, बस एक समोसा। एक समोसा खाया बस, खाना भी नहीं खाया क्योंकि काम इतना सारा था, मेरे को काम के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सही बात बताऊँ, पहले काम फिर शरीर फिर खाना और फिर कुछ। तो अब फ्री हो गई हूँ मैं, अब जा रही हूँ सोने। लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और है ना
नए हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके जाना। बाय। और ज्यादा रात हो गई, सो जाओ।